नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन रीड द करंट अफेयर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर से ही कलेक्ट कर लें, ताकि जब हम मंथ के एंड में और मंथ के स्टार्टिंग में एक करंट अफेयर की बुक परचेज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें हमें पता हो और वो एक हमारा जस्ट एक रिवाइज हो जाए। तो इस वीडियो को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने द हिंदू पेपर का यूज़ किया है, द हिंदू ई पेपर का, एंड उसके क्रेडिट्स द हिंदू ई पेपर को जाते हैं। उस पीडीएफ पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज के द हिंदू से। तो ये हमारे पास हिंदू है। अब इसमें हमें कैसे करके पढ़ना है, हमें एक तो जो फर्स्ट पेज है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज़ फर्स्ट पेज में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर रहती हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फर्स्ट पेज में ही मेंशन होती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, वी विल एक्सेप्ट ट्रिब्यूनल रूलिंग इन इटालियन मरीन केस। ये एक इटालियन मरीन केस और फिशरमैन से रिलेटेड चल रहा है, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जस्ट करंट अफेयर पे फोकस करेंगे और जितना भी वन लाइनर हम कलेक्ट कर सकें डेली न्यूज़पेपर में से वो चीज़ करेंगे। एडिटोरियल हमें यूपीएससी एसेज और अदर एग्ज़ाम और अपने ब्रेन बूस्टिंग के लिए रीड करना ही करना चाहिए, बाकी चीज़ें पॉलिटिक्स हम छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ देखिए, जैसे एज ऑफ एक्सपेंसिज्म इज ओवर पीएम शेज इन लद्दाख, तो ये कोई भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी विजिट भी है वो जस्ट एक न्यूज़ है। यहाँ पे क्या हुआ है यूपी में, नॉट इम्पोर्टेंट। आईसीएमआर ने लुक एट वैक्सीन लॉन्च अगस्त 15। तो आईसीएमआर ने अभी अगस्त 15 तक कह रहा है कि वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। कौन सी वैक्सीन की बात कर रहा है, कोवैक्सीन की बात कर रहा है, जो आईसीएमआर और हैदराबाद की जो कंपनी है भारत बायोटेक उसने मिलके बनाई है। तो वो अभी उसका ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका है और ये शायद से अगस्त तक लॉन्च की जा चली जाएगी। बट ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं बनती है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ढूंढेंगे और क्विक रीड करेंगे पहला, फिर हम जब नेक्स्ट टाइम रीड करें खुद से तो हमें चीज़ें रिपीट और रिवाइज होनी चाहिए। तो पहला अभी देखिए, जैसे इंडिया वॉन्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट फॉर इम्पोर्ट पावर इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना, नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है बट जस्ट एक रीड के लिए। मैं अभी करंट अफेयर और वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो आप बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अदरवाइज इंडिया चाइना से जो भी न्यूज़ आ रही है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो एक इंटरनेशनल अफेयर है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में वो जरूर पूछा जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नीट जेई पोस्टपोन हो गए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। कहाँ प्लाज्मा डोनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। आफ्टर मिजोरम नागालैंड बैन सेल ऑफ डॉग मीट, हाँ ये कुछ एक अलग न्यूज़ है, इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए इस न्यूज़ को जब हम थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो इसमें एक फेडरेशन की बात की जाती है, इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। तो इस चीज़ के हमें बारे में फिर डिटेल में गूगल में पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। अब जैसे नागालैंड और मिजोरम की बात हो रही है तो वहाँ के हमें सीएम पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन है। तो ये चीज़ें इस तरीके से हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये आज की पीडीएफ है जुलाई 4 की, और ये सारी न्यूज़ हमने अपने करंट अफेयर डिस्कशन में इंक्लूड की है, तो आप वहाँ से ये पूरी न्यूज़ अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड समझ सकते हैं। डीयू लॉन्चेस न्यू स्कूल अंडर आईओआई। अब ये जैसे न्यूज़ है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ स्किल इन्हेंसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंडर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये चीज़ें एक लॉन्च करी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि किसने क्या लॉन्च किया है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। इसको आप हाईलाइट करके नोट कर सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है और इस इंस्टीट्यूट का नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जो कि अंडर आता है DSSEED के। ये अयोध्या में क्या हुआ, नॉट इम्पोर्टेंट। क्रिएटर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, नॉट इम्पोर्टेंट। कोरोना से रिलेटेड आजकल कहीं भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, यहाँ ये हो गया यहाँ ये हो गया, तो वो करंट अफेयर एंड वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। ये बाकी सारी चीज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कहाँ क्या हुआ नॉट इम्पोर्टेंट। सिटी की बात करें, सिटी में भी कोरोना से ही है। चीफ मिनिस्टर ने कितने कहाँ दिए, ये चीज़ नहीं। पिंजरा और ये भी नहीं, पिंजरा तोड़ मेंबर कैन नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज नॉट नीडेड। गवर्नमेंट लॉन्चेज ई पोर्टल फॉर स्कूल चिल्ड्रन, हाँ जैसे गवर्नमेंट ने कुछ भी लॉन्च किया है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। तो गवर्नमेंट
एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया यानी दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली सिटी की, वहाँ पे ई लर्निंग पोर्टल ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एंड ये हमें फिर याद रखना है कि ये कल की न्यूज़ में भी था, आज की न्यूज़ में भी है, तो एक बार हम जैसे पढ़ेंगे इसको तो ये रिवाइज हो जाएगा। ई लर्निंग पोर्टल LEAD, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। तो इसमें क्लास 1 to क्लास 12th की बात की जा रही है, उन स्टूडेंट्स को ई लर्निंग के थ्रू पोर्टल दिया जाएगा, कोई भी फिजिकल नहीं मिलेगा टीचर्स से फिलहाल के लिए। तो ये एक इनिशिएटिव है, अब आगे देखते हैं कि ये कंटिन्यू रह पाता है या नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, इसमें पेज में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। गुड़गांव में क्या कितने केसेस हुए, कोई नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं पूछेगा। अमरिंदर सिंह जी ने क्या कहा, कोई एग्ज़ाम नहीं पूछेगा। नॉर्थ एंड ईस्ट से है ये रिलेटेड। 90 अफेक्टेड इन उड़ीसा विलेज, क्यों अफेक्ट हुए हैं, बिकॉज ऑफ COVID-19, कोई एग्ज़ाम नहीं पूछेगा, इसे आप स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट स्किप। टीचर अरेस्ट हुआ, नो नॉट इम्पोर्टेंट। डबल मर्डर केस, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं जब तक आप IPS ना बन जाए। ये जितने भी केस हैं नॉट इम्पोर्टेंट, जब तक वो केस हमारी पॉलिटी को रिलेट ना करें, हमारे सिलेबस को रिलेटेड ना करें, हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे। रामदेव जी को वार्निंग दी गई, नॉट इम्पोर्टेंट। IAS ऑफिसर को मॉनिटर करने के लिए कहा गया, और टेस्टिंग पुणे में, नॉट इम्पोर्टेंट। डिले हुई रेनफॉल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। BJP ने क्या किया, हाँ एक ये इम्पोर्टेंट है, जैसे प्लांट 115 मोर सैपलिंग बिफोर एक्सिंग 23 ट्रीज फॉर फ्री वे। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा पता होनी चाहिए। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें कुछ अथॉरिटीज़ जैसे थाने ट्री अथॉरिटीज़, PLI फाइल हुई है किसके खिलाफ, और कोर्ट का क्या निर्देश है, तो वो चीज़ थोड़ा पता चल जाएगी, बट नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। एडिटोरियल पेज पूरा ही इम्पोर्टेंट होता है, आप उसे पूरा का पूरा पढ़िए, बट कुछ चीज़ें हम उसमें स्किप भी कर सकते हैं, जैसे आजकल काफ़ी COVID-19 से रिलेटेड आ रहा है, तो वो आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल काफ़ी पहले आ चुके हैं। कोई अच्छा आर्टिकल आए तो उसे पढ़ सकते हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। एडिटोरियल को आप किसी अच्छे यूट्यूब चैनल जो कि डिटेल में डिस्कस करते हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कि बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, अन अकेडमी है, ओनली IAS है, एंड काफ़ी अदर वाईफाई स्टडी है, काफ़ी सारे अदर चैनल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत डिटेल में एडिटोरियल को समझाते हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तमिलनाडु में क्या हुआ, एक ये थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन रहा है, तो इसे हम एक स्किप कर सकते हैं। ये फ्रॉम पेज वन है, ये तो पेज वन से इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी वायरस तमिलनाडु में कितना हो गया ये नहीं पूछेगा, ये कुछ नहीं इस पेज में, कुछ नहीं कहाँ कितने, इन ब्रीफ में कौन चेंज हुआ ये भी नहीं पूछा जाएगा। हाई कोर्ट ने क्या कहा, सबरीमाला एयरपोर्ट नहीं पूछा जाएगा। हाँ एक चीज़ जो ये है, जैसे ये पार्क के बारे में आया है, तो कोई सा भी पार्क आता है हमें पता होना चाहिए वो पार्क कहाँ है। जितने मैक्सिमम पार्क हम जो जो न्यूज़ में आ रहे हैं अगर हम उनको भी याद करते रहेंगे, उनको भी नोट करते रहेंगे, तो हम ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पार्क हम इंडिया के कवर कर चुके होंगे, और ये सारे वो पार्क होंगे जो न्यूज़ में थे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो न्यूज़ में होता है वही करंट अफेयर में आता है। ऐसे ही कोई भी एग्ज़ाम UPSC कुछ भी उठा के नहीं पूछ लेगा, कि किसी इंडिया के किसी कोने में किसी पार्क में पूछ लेगा कि ये पार्क कौन से उसमें है, जब तक वो चीज़ न्यूज़ में नहीं होगी वो चीज़ नहीं पूछी जाएगी। अब जैसे इसमें पार्क एक इंक्लूड है, नागर होल नेशनल पार्क, तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, ये चीज़ पता होना चाहिए। नागर होल रिजर्व भी है एक, वो टाइगर होल रिजर्व है, ये किसके अंदर आता है, ये नागर होल नेशनल पार्क के अंदर है। और अब जब हम इसको पढ़ें तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें। अब मैंने अपनी वीडियो में आज की ये डिस्कस किया हुआ है, तो आप हमारी वीडियो रेफर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ऐसे करके चीज़ें हमें कनेक्ट होती चले जाती हैं, इस तरीके से हम उसे याद रख सकते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन तमिलनाडु, तो हम ये चीज़ें कनेक्ट करके याद करें। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अवॉइड मिसकैलकुलेशन सेज चाइना, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये अभी क्रिमिनल एक इंसिडेंट हुआ कानपुर में, ये भी नहीं पूछा जाएगा। प्रियंका गांधी जी कुछ कह रही है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। मोदी जी ने कहाँ विजिट करी, कोई नहीं पूछेगा, कोई एग्जाम नहीं पूछेगा। जापान अगेंस्ट यूनिलेटरल एक्शन, जापान और अभी इंडिया के एम्बेसडर की बात हुई, जापान के एम्बेसडर संतोषी सुजुकी की बात हुई है, तो उनका एक अच्छा डिस्कशन हुआ है, बट ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, तो हम इसे भी स्किप कर देंगे।
एनपीपीए की अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट, उड़ीसा में कितने केस बढ़े नहीं पूछा जाएगा, इस पेज में भी कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ हम स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, आपको इस पे देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मोटा मोटा देखिए, जैसे एमपी मिनिस्ट्री एक्सीड नॉट इम्पॉर्टेंट, राजस्थान गेट न्यू चीफ सेक्रेटरी, नहीं पूछा जाएगा कि कौन हुआ, क्योंकि ये चीज़ें अभी ये चेंज होती रहती हैं, ये कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि यहाँ पे ये चेंज हो गया, क्योंकि काफ़ी चेंज हुआ है। आप देखिए, आप जैसे न्यूज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे टोटल ऑफ 103 आईएएस ऑफिसर वेट शिफ्टेड, अब 103 में आपसे कौन सा आईएएस वो कहाँ का पूछ लेगा, ये चीज़ नहीं बता सकते, तो ये चीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फ्लड आ रहा है ये गुवाहाटी में, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तेजस्वी एम्प्लॉयज, ये भी नहीं पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर लेक्चरर, ये नहीं पूछा, ये चीज़ देखा। ट्राइबल बेल्ट फॉरेस्ट विल नॉट टू बी टच्ड, आसाम जो सेवन सिस्टर्स का एरिया है पूरा नॉर्थ ईस्ट में, उसमें से न्यूज़ बनती है, तो एक बार उसे देख जरूर लीजिए कि क्या न्यूज़ बनी है। जैसे ये आसाम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, तो हम इसे देखते हैं, ये ट्राइबल बेल्ट्स का कुछ रिलेटेड इशू है। ट्राइबल बेल्ट्स जो ट्राइब्स हैं वहाँ के, कौन सा ट्राइब्स है, तीवा ट्राइब है, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमारे लैंड को, हमारे एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए शॉप कर रही थी, उसकी खरीद फरोख्त का कुछ मैटर पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये गवर्नमेंट ने मना किया है कि फॉरेस्ट लैंड को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाएगा जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर आता है। तो अब इसमें एक ट्राइब की बात हुई है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पढ़नी है, हमें ये चीज़ गूगल करनी है कि ये ट्राइब क्या है, ये ट्राइब किससे रिलेटेड है, इस ट्राइब का फेस्टिवल कौन सा है, ये ट्राइब कहाँ पे है, और ये कंट्री के कौन कौन से एरियाज में है, इनका कुछ स्पेशल चीज़ है जो इनको फेमस बनाती है। तो ये चीज़ इस तरीके से हमें करंट अफेयर में से अपना इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। अब अगर हम तीवा ट्राइब की बात करें, तो तीवा ट्राइब असम में भी मिलती है, अब जैसे ये असम की न्यूज़ है, मगर तीवा ट्राइब अरुणाचल में भी है कुछ पार्ट में, तीवा ट्राइब मणिपुर के भी कुछ पार्ट में है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर तीवा ट्राइब के दो टाइप्स होते हैं, ये हमें जब हम तीवा ट्राइब्स के बारे में रिसर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि तीवा ट्राइब्स के दो पार्ट होते हैं, एक प्लेन और एक हिल तीवा और एक प्लेन तीवा। तीवा ट्राइब का एक फेमस फेस्टिवल भी है जो मैं आपको बता दूं, वो वांचाओ फेस्टिवल है और वो हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल है। अब देखिए, जैसे हमने कितनी सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट कर दी, तीवा ट्राइब असम, बेसिकली असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इधर है तीवा ट्राइब, तीवा ट्राइब is related to Wanchao festival, Wanchao festival is related to harvesting, harvesting से और कौन से festival relate है, तो हमें, हमने news में cover किया है अपनी, harvesting से related is Hareli, Hareli कहाँ celebrated है, छत्तीसगढ़ में। एक festival और है Harela, Harela कहाँ celebrated होता है, उत्तराखंड में। तो देखिए, हम एक बस हमने news पढ़ी, आसाम में तीवा ट्राइब, वहाँ से हम कनेक्ट होते हुए कितनी सारी चीज़ें रिवाइज करके चले गए। तो इस तरीके से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। कई बार इस सेक्शन में बुक्स के बारे में आ जाता है कि किसी फेमस स्टार ने कोई बुक लॉन्च करी हो, तो ये चीज़ आ जाती है, बट अभी ये ई बुक है और ये उतना फेमस नहीं है, तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। बट संडे को इनका द हिंदू का सेक्शन में बुक आती है, वो पूरा आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसमें सारी वीक की इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं। वर्ड की बात करें, वर्ड ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा सीएससी को छोड़ के, सीएपीएफ नहीं पूछेगा, सीडीएस नहीं पूछेगा, ज़्यादा चीज़ नहीं पूछेगा, कुछ मेजर चेंज हुआ तो पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। अब देखिए, जैसे इकोनॉमिक मेजर, इंडिया सीक्स टू टर्न टेबल ऑन चाइना, नॉट इम्पॉर्टेंट, या आप पढ़ेंगे तो इंडिया चाइना एलएसी के मुद्दा ही है, वो चीज़ अभी नॉट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम एलएसी का स्टार्टिंग से कवर करते आ रहे हैं। अब ये देखिए, मैक्रोन पिक्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर कोई बने हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सीएपीएफ जैसे एग्जाम ये चीज़ पूछ लेते हैं। अब नए प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, नए प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के, उनका नेम जीन कास्टेक्स, तो ये चीज़ एक बार नोट कर ली, जब भी बाद में देखा चीज़ रिवाइज हो जाएगी। बाकी नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है वन लाइनर के लिए, ऐसे वगैरह के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल अफेयर यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, तो इनको मत छोड़िएगा, बट अदर एग्ज़ाम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ईयू क्लियर यूजेस ऑफ रेमडेसिविर और टू फाइट वायरस, ये सबसे पहली दवाई बनी थी इंडिया में और ईयू ने इसे क्लियरेंस दिया। ईयू क्या है, यूरोपियन
यूनियन है, बट यूरोपियन यूनियन की कौन सी बॉडी ने, जैसे थोड़ी सी न्यूज है तो हम इसे पढ़ सकते हैं, द यूरोपियन कमीशन द ब्लॉक्स एग्जीक्यूटिव आर्म ऑन फ्राइडे ऑथराइज द यूज ऑफ एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर टू ट्रीट कोविड-19। अब यूरोपियन कमीशन की बात भी है यहाँ पे, तो हमें यूरोपियन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि यूरोपियन कमीशन क्या होता है। तो यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन की एक बॉडी है जिसका काम होता है कि यूरोपियन यूनियन की जो ट्रीटीज है उसको, उसका फॉलो अप करना, उसको प्रोसेस करना, और यूरोपियन यूनियन के जो डे टू डे के काम है उनको एक्सेस करना, उनका फ्लो करना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आती है। तो यूरोपियन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन तो ज़्यादातर सबको पता है, हर कोई उसके बारे में पढ़ता है, तो जैसे ये न्यूज़ अभी यूरोपियन कमीशन से रिलेटेड है तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ें और इसकी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करें। अब जैसे यूरोपियन यूनियन कमीशन का अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये अलग कंट्री में, ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इस टाइप से हम न्यूज़ को करंट कनेक्ट करते हुए चलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। अगर कुछ मेजर चेंज आए तो वो क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे इंटेल ने इन्वेस्ट कर रहा है जियो प्लेटफॉर्म में, ये भी बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ भी नहीं पूछी जाएगी। हाँ, अगर कोई मेजर टेक ओवर हुआ है तो बैंक उसे ज़रूर पूछेगा। और ये विन बिड चल रहा है अभी, ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है इसलिए नॉट इम्पॉर्टेंट है। कोई मेजर चेंज हो, कोई बड़ी पोस्ट पे कोई नया अपॉइंट हुआ हो तो वो भी बैंक पूछता है, SSC भी पूछता है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, इन कॉर्नर्स में काफ़ी छोटी न्यूज़ होती है, कॉर्नर्स को आप मत छोड़ा करिए, जरूर ध्यान से देखिया करिए। अब देखिए, राजन मैथ्यूज ने क्विट किया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ COAI। COAI क्या चीज़ है? COAI है टेलीकॉम, COAI होते हैं, मैं आपको बता दूँ COAI की थोड़ा फुल फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने नोट करी है। COAI की फुल फॉर्म होती है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ COAI। तो यहाँ पे अभी राजन मैथ्यू जी ने क्विट किया है, तो क्विट वाला याद नहीं रखना है कि कौन अपॉइंट हुए हैं। अपॉइंट हुए हैं SP कोचर। SP कोचर जी क्या थे? फॉर्मर CEO थे टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के, तो ये भी याद नहीं रखना है, बस SP कोचर जी कनेक्ट कर दीजिए COAI के साथ, तो वो अब नए डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये चीज़ बैंक पूछता है, बैंक अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक वैक्सीन को और ट्रायल के लिए मिल गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ हम एक नज़र इस पर डाल सकते हैं कि वैक्सीन का नेम क्या है, ताकि हमारे माइंड में एक बार वो चीज़ छप जाए। तो जाइडस कंपनी है और जाइकोड डी एक वैक्सीन है, तो ये चीज़ हम याद रख सकते हैं। काफ़ी सारी वैक्सीन हमें याद हो गई हैं, रेमडेसिविर हो गई है, कोवैक्सीन हो गई है, अब ये भी नहीं आ गई है एक जाइकोड डी। कोरोनिल तो खैर पतंजलि का प्रोडक्ट है बट वो एक वैक्सीन नहीं है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ पे ध्यान दीजिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ CAPF, CDS, NDI ज़रूर पूछता है, SSC ज़रूर पूछता है, किसको कौन सा अवार्ड मिला, कहाँ क्या हो रहा है वो चीज़ ज़रूर पूछता है, कौन सा पोस्टपोन हुआ ये चीज़, ये इवेंट कहाँ मनाया जाएगा 2022 का 2025 का, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो जब तक वो चीज़ आए ना, उस चीज़ को आप ये बाकी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। और इसमें फ़िलहाल आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही आया है, वो भी चांसेस कम है ये पूछा जाए, बट अभी एक मूवमेंट भी चल रहा है उससे कनेक्टेड हम करंट अफेयर करें तो पूछा जा सकता है। ब्लैक लाइव्स मैटर का लोगो वाली टी शर्ट दो टीम पहन रही हैं, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, जिनका 3 डे का अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो पहली दो कंट्री क्रिकेट की ये ऐसी है जो ब्लैक लाइव्स मैटर का लोगो अपनी टी शर्ट पर पहनेगी। और जैसे ये किसी कोई एक्सपायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है अगर वो एक फेमस पर्सन है तो। और ज़्यादातर फेमस पर्सन CDS, SSC ये पूछ लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो सरोज खान जी, इनसे तो हर कोई ही वाकिफ होगा, ये इनका अभी देहांत हो गया है। और इसमें से जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो सरोज खान जी के पास 3 नेशनल अवार्ड थे और ये पहली वोमेन चीफ डांस मास्टर थी बॉलीवुड की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या था या किसका देहांत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा कि वो क्या था या ये अवार्ड किसको मिला था, इतने टाइम विनर कौन थी, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
तो हमें बस इसी तरह से ध्यान रखना है कि हम कैसे करके ये चीज़ें याद रखें, और न्यूज़पेपर को हम जब रीड करें तो हम उसे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बनता है, उन चीज़ों पर हमें अच्छे से ध्यान देना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपकी वो क्वेरी को हम सॉल्व करें। आशा करता हूँ आप लोग अब न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।